हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन थी एनुअल प्रोग्रामिनेशन वाले स्टूडेंटों के रिगार्डिंग में यूनिवर्सिटी ने हाल ही में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंटों की क्वारीज आ रही थी उनके ऑनलाइन सत्र कार्य को लेकर, ऑनलाइन असाइनमेंट को लेकर, तो फाइनली उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन सत्र कार्य की समय सारणी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट में अनाउंसमेंट जारी कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन असाइनमेंट की डेट 26 जुलाई 2021 से 19 सितंबर 2020 तक चलने वाली है। यानी कि आपके जो असाइनमेंट एग्जामिनेशन है इसमें भी आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम और डेट वाइज मेंशन किए गए हैं। जिस डेट में जिस प्रोग्राम का असाइनमेंट होगा आपको उस पर्टिकुलर डेट और टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में सबमिट करने होंगे। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है। प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन भी स्टूडेंट एनुअल प्रोग्राम है लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर मास्टर के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या बैचलर के जितने सारे एनुअल प्रोग्रामिनेशन के स्टूडेंट है, प्लीज़ वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही में इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंटों के असाइनमेंट भी ऑनलाइन मोड में सबमिट हो पाएँ। आज की डेट में यानी 7 जुलाई 2021 की डेट में अपडेट की गई है वार्षिक प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सत्र कार्य की रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत विषयवार परीक्षा के लिंक उपलब्ध कराए जाने की तिथि निम्नलिखित है। यहाँ पे बताया गया है जैसे 26 से और 30 जुलाई के बीच में बीकॉम प्रोग्रामिनेशन के असाइनमेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड करवाए जाएंगे, लाइक बीकॉम 10, बीकॉम 16 और बीकॉम 17 जिन भी स्टूडेंटों का प्रोग्राम है उनके ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही में इस टाइप में से 31 से और 4 अगस्त के बीच में लाइक BHM हो गया और आपका MAY और MAPA इस टाइप के यहाँ पे जो प्रोग्राम्स मेंशन किए गए हैं उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। बट मेक श्योर या अभी टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन असाइनमेंट एनुअल प्रोग्राम का जारी किया गया है, मे बी इसमें कुछ करेक्शन इन फ्यूचर करे जाएं, अदरवाइज अगर करेक्शन नहीं करे जाते हैं तो इसकी जो ओरिजिनल डेट आएगी वो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बट अभी फ़िलहाल ये टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन असाइनमेंट के बारे में बताया गया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बताए गए हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे बताया गया फर्स्ट पॉइंट में, वर्तमान में उपरोक्त सत्र कार्य वार्षिक प्रणाली के शिक्षार्थियों पर लागू होंगे, यानी एनुअल प्रोग्रामिनेशन जिन भी छात्र छात्राओं का है लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या मास्टर के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। साथ ही में शिक्षार्थी ऊपर दिए गए स्लॉट एवं परीक्षा तिथि के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से सत्र कार्य सबमिट करें, यानी ऑनलाइन मोड में आपको लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। शिक्षार्थी द्वारा एक विषय में टू अटैम्प्ट में ही आपको अपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है, यानी अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में कम मार्क्स आते हैं देन आपके पास टाइम है कि आप सेकेंड अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जिस प्रयास में अधिक आपके मार्क्स आते हैं आपके मार्कशीट में वो ही मार्क्स शो करेंगे। सो गाइज, इसमें पर्टिकुलर प्रोग्रामिनेशन की एक ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं पूरा ये डेट शीट एनालाइज करके आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा किस पर्टिकुलर प्रोग्रामिनेशन की कब असाइनमेंट कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी, साथ में आपको किस टाइप से ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन सबमिट करना है उसकी भी एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसका बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन भी स्टूडेंटों की ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जामिनेशन हेल्ड होंगे तो उन स्टूडेंटों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही में तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में पास में बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।